नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है अपराध जगत की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर न्यायालय में स्पेशल जज पॉस्को एट एकता वर्मा की अदालत ने 3 वर्ष की मासूम को हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी महेश तिवारी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अमेठी के कोतवाली क्षेत्र में रिटायर्ड फौजी के घर में घुसकर मनचलों ने बेटी के साथ छेड़छाड़ किया। आपको बता दें कि तेज डीजे बजाने पर रोकने से नाराज शोहदों ने इस घटना को अंजाम दिया। अमेठी में जगदीशपुर थाना की ग्राम सभा की जमीन पर घर बनाने वालों को निहालगढ़ रेलवे पुलिस और स्टाफ के लोग परेशान कर रहे हैं। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी मामले में MPMLA कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई। जौनपुर में कोतवाली मछली शहर पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने में वांछित आरोपी बेचू बिंदु को समाधगंज बाजार से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बरेली न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2010 के दंगों में मौलाना तौकीर रजा को दंगों का मास्टरमाइंड मानते हुए 11 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके में मौजूद शुभकामना हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लापरवाही बरतने से मरीज शाइस्ता की मौत होने पर नाराज परिजनों ने अस्पताल गेट पर जमकर हंगामा किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बेकाबू भीड़ को शांत कराया। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन खबरों को आप यूट्यूब पर देख रहे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। हमारे इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट को भी फॉलो करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।